दोस्तों आज हम बेल्टोन के दो अलग अलग अपडेट्स के बारे में जानेंगे यह अपडेट्स बहुत छोटी छोटी है लेकिन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक क्योंकि हम आपको बताएंगे दो बेल्टोन के अलग अलग अपडेट्स के बारे में यह अपडेट्स आपके लिए बहुत ही जरूरी है और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए चलते हैं वीडियो पर और देख लेते हैं कि क्या है दोनों अपडेट बेल्टोन के बारे में तो दोस्तों पहला हमारा अपडेट जो है वह पारिश्रमिक संरक्षण से रिलेटेड है दोस्तों आपने कुछ दिन पहले विभिन्न न्यूज़ पेपरों या फिर यूट्यूब चैनलों पर यह जरूर न्यूज़ सुना होगा कि बेल्टोन ने अपने कर्मियों के लिए पारिश्रमिक संरक्षण लाभ देने का फैसला किया है और बिल्टोन के इस फैसले से बिहार के डाटा इंटरप्रेटर संघ जो है वह नाराज़ है आइए जानते हैं पढ़ते हैं पूरा मामला कि क्यों बिहार राज्य डाटा इंटरप्रेटर संघ बेल्टोन के इस फैसले से नाराज़ है और क्या उसने अपील की है बेल्टौन से आइए पढ़ते हैं पूरा मामला तो आप देख सकते हैं हेडिंग है ऑपरेटरों को भी सेवा वापसी के उपरांत स्पष्टीकरण देने का मिले मौका संघ संघ ने यह अपील की है कि जब ऑपरेटर की सेवा वापसी की जाती है तो उनको भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका मिले आगे पढ़ते हैं पटना डाटा एंट्री ऑपरेटरों की पुनर्नियुक्ति व उनके वेतन संरक्षण को लेकर बेल्टॉन के एक आदेश पर बिहार राज्य डाटा एंट्री और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ नाराज है बेल्टॉन के एम संतोष कुमार मल ने आदेश जारी कर कहा है कि अगर कोई विभाग ऑपरेटर की सेवा बेल्टॉन वापस करेंगे तो वैसे ऑपरेटरों को ही पारिश्रमिकी संरक्षण यानी वर्तमान पारिश्रमिक भुगतान पर पुनः प्रतिनियुक्ति का मौका मिलेगा जिनके पत्र पर पूर्व के विभाग या कार्यालय द्वारा पुनर्नियुक्ति के योग्य अनुशंसा लिखी होगी अन्यथा उनको बेसिक मानदेय सत्रह हज़ार संतावन पर ही दूसरे कार्यालय में प्रतियुक्त किया जाएगा संघ के प्रदेश महासचिव विशाल कुमार ने कहा कि अगर किसी विभाग ने गलत टिटोरी के साथ सेवा आपसी की है तो उनसे अच्छे प्रतिवेदन की उम्मीद कैसे की जा सकती है उन्होंने कहा कि ऑपरेटरों को भी सेवा आपसी के उपरांत स्पष्टीकरण देने का प्रावधान किया जाना चाहिए साथ ही बीस साल पुरानी हमारी सेवा एजेंसी को हटाते हुए सीधे विभाग या बेल्टों से संबंध किया जाए तो जी हाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे पूरा मामला और यह सही बात है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एजेंसी में काम करते हैं किसी विभाग में काम करते हैं अगर आपका सेवा वापसी किया जाता है तो फिर वह विभाग आखिर क्यों आपके सेवा वापसी लेटर पर यह लिखेगा कि आप पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं अगर उस विभाग का संविदा समाप्त होता है तब तो, तो वो लिख सकता है लेकिन अगर वो आपसे रुष्ट होकर आपके कार्य से असंतुष्ट होकर आपको अगर निकालता है तो आखिर वह क्यों ऐसा अनुशंसा करेगा यह सोचने वाली बात है कभी कभी ऐसा भी होता है कि तीन साल चार साल पाँच साल काम करने के बाद विभाग लौटा देता है कहता है कि यह काम करने योग्य नहीं है तो आखिर हम कैसे यह मान लें कि वह विभाग हमारे लेटर पर यह लिख के देगा कि हम पुनर्नियुक्त के योग्य हैं तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि आखिर जो विभाग किसी भी कर्मचारी किसी भी कर्मी को अगर वापस करेगा तो आखिर उसके लेटर पर वह क्यों लिखेगा कि यह पुनर्नियुक्ति के योग्य हैं बहुत बार ऐसा होता है कि अधिकारियों से मनमुटाव के चलते कर्मचारियों को या कर्मियों को यह कह के लौटा दिया जाता है कि यह कार्य करने में सक्षम नहीं है या उन पर झूठा आरोप लगाकर भी वापस कर दिया जाता है तो यहाँ पे यही अपील की जा रही है कि ऐसे कर्मियों को या फिर जो भी कर्मी की सेवा वापसी की जाती है तो उनको भी अपना स्पष्टीकरण देने का मौका मिले ताकि यह जांच हो सके कि उनको विभाग से निकाला गया है तो वह सही कारण से निकाला गया है फिर गलत कारण से नहीं तो उनके साथ हमेशा गलत काम होता रहेगा उनको गलत कह के निकाला जा सकता है और उनके साथ अन्याय हो सकता है तो इसीलिए बिहार के राज्य अटक संघ ने यह अपील की है कि ऐसे कर्मियों को भी स्पष्टीकरण देने का मौका मिले ताकि उनके साथ अन्याय न हो और यहाँ संघ यह भी अपील कर रहा है कि 20 साल से जो उनकी सेवा एजेंसी है उनको हटाकर इन कर्मियों को सीधे बेल्टोन या बिहार सरकार से संबंध किया जाए क्योंकि तो आप जानते हैं कि बिहार बेल्टॉन डाटा एंट्रॉपरेटर को उर्मिला के द्वारा किसी भी विभाग में ज्वाइनिंग दी जाती है और उनका ई पी एफ़ और ई एस आई जो भी है वो कटौती बेल्ट बेल्टौन नहीं बल्कि उर्मिला के द्वारा सब की जाती है तो यहाँ यही अपील किया जा रहा है कि हमको बेल्टौन से सीधे जोड़ा जाए या फिर बिहार सरकार से जोड़ा जाए तो यही जो एजेंसी है उर्मिला यहीं से एक और खबर सामने आ रही है नया अपडेट सामने आ रहा है वह क्या है अपडेट आगे चलते हैं और आपको बताते हैं दूसरे अपडेट के बारे में कि क्या है वह दूसरा अपडेट दोस्तों हमारा दूसरा अपडेट जो है वह बेल्टोन के द्वारा जारी किए जाने वाले ज्वाइन लेटर के बारे में है जी हाँ दोस्तों यह पुराना ज्वाइन लेटर है जो बेल्टोन के द्वारा जारी किया जाता था यानी कि दो हज़ार इक्कीस में यह जॉइन लेटर जारी किया जाता था बेल्टोन के द्वारा डाटा इंटरप्रेटरों को आप देख सकते हैं इसमें जो भी है इसका फॉर्मेट आप देख सकते हैं विषय है सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर डाटा इंटरप्रेटर की सेवा संविदा पर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर महाशय उपयुक्त विषय विषयक आपके पत्रांक इतना दिनांक इतना के आलोक में निर्देशानुसार रजिस्टर नंबर आप देख सकते हैं डाटा इंटरप्रेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु उपलब्ध कराई जा रही है इनकी प्रतियुक्ति निम्न शर्तों के आलोक में किया जाता है यह पुराना ज्वाइन लेटर है जो बेल्टोन के द्वारा जारी किया जाता था अब आप हम आपको दिखाएंगे नया ज्वाइन लेटर आखिर दोनों में अंतर क्या है आप देख पाएंगे पुराने ज्वाइन लेटर और नए ज्वाइन लेटर में आइए देखते हैं नया ज्वाइन लेटर दोस्तों आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे यह नया ज्वाइन लेटर है जो बेल्टोन के द्वारा जारी किया गया है आप इसमें देख सकते हैं जहाँ रेड लाइन से घेरा गया है वहाँ आप उर्मिला का नाम आसानी से देख सकते हैं पुराने ज्वाइन लेटर में आपको कहीं भी उर्मिला का नाम दिखाई नहीं देगा लेकिन नए ज्वाइन लेटर में आप साफ तौर पर उर्मिला का नाम देख सकते हैं दोस्तों आप पढ़ सकते हैं कि इसमें लिखा गया है महाशय उपर्युक्त विषयंक मुख्य अभियंता केंद्रीय रूपांकन शोध एवं संसाधन का कार्यालय जल संसाधन विभाग संसाधन भवन अनीसाबाद पटना पत्रांकित दिनांक सात एक दो हज़ार बाईस के आलोक में अनुसार एक डाटा इंटरप्रेटर की सेवा सर्विस प्रोवाइडर मेसर्स उर्मिला इन्फो सोल्यूशंस के माध्यम से नियत पारिश्रमिक पर कार्य किए जाने हेतु तो उपलब्ध कराई जा रही है जी हाँ दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर अब नए ज्वाइन लेटर में उर्मिला का नाम मेंशन करके दिया जा रहा है दोस्तों समय समय पर हम कर्मी यह सरकार और बेल्टोन से मांग करते रहे हैं कि जब हमारा एग्ज़ाम बेल्टोन लेता है सी बेल्टोन लेता है टाइपिंग बेल्टोन लेता है तो फिर हमारा ज्वाइनिंग उर्मिला क्यों देता है हम लोग समय समय पर यह मांग करते रहते हैं कि हमको डायरेक्ट बिहार सरकार या फिर बेल्टोन के माध्यम से संबंध किया जाए लेकिन सरकार हमारी नहीं सुनती अब यह सामने जो नया ज्वाइन लेटर दिखाई दे रहा है उसमें उर्मिला का नाम मेंशन करके दिया जा रहा है इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है या बेल्टोन की मंशा क्या है यह हमारे समझ से परे है हम एक तरफ जहाँ मांग कर रहे हैं कि हमको बिहार सरकार या फिर बेल्टोन से संबंध किया जाए वहीं अब बेल्टोन नए ज्वाइन लेटर पर उर्मिला का नाम मेंशन करके दे रहा है इसके पीछे बेल्टोन की मनसा क्या है ये हम नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों यही दोनों अपडेट था जो हमको जानना जरूरी था और हमें सरकार से और बेल्टोन से मांग करनी चाहिए कि हमें उर्मिला से अलग हटाकर हमें या तो बेल्टोन या फिर बिहार सरकार से संबंध किया जाए तो दोस्तों मिलेंगे अगले, अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा धन्यवाद तब तक मस्त रहें